जिम खाना क्लब। मैं वहां जाके क्या करूंगा मां? वैसे भी आपके और डैड के दोस्तों के बीच में मुझे क्या बात करनी है ना, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। मैं बोर हो जाता हूं मॉम। सोशलाइज मॉम, मुझे सोशलाइज करने की क्या जरूरत है? मेरे फ्रेंड्स है ना मॉम। अच्छा, नो नो मॉम, अब मुझे समझ आ रही है आप क्या करना चाहती हैं। मैं शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, इफ दैट इज योर प्लान। और वैसे भी आपके सोशल क्लब की लड़कियां शादी से पहले प्री नपचुअल एग्रीमेंट करती हैं। उनमें यह कॉम्पिटिशन रहता है कि किसके हाथ सबसे बेस्ट हस्बैंड आएगा। वो मेरी टाइप की नहीं है मॉम। मेरे टाइप की लड़की आप जैसी है मॉम, मुझे बस आप जैसी लड़की चाहिए। ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट, हार्ड वर्किंग, जो करियर पे ध्यान दे, जिसकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी हो, जो एक अच्छी लाइफ पार्टनर बन सके, जो एक कंपेनियन हो, जैसे आप डैड के लिए है। कोई नहीं है मॉम, यू आर द वन एंड ओनली, यू आर द बेस्ट। इसीलिए मैं कह रहा हूं टेंशन छोड़ दो। अरे शादीवादी के चक्कर में ना मॉम मुझे पढ़ना ही नहीं है। एक बार पढ़ चुका हूं मॉम, एंड इट वाज़न्ट गुड। नो मॉम, प्लीज डोंट से दैट। उसे ब्लेम मत कीजिए मॉम, परहैप्स आई डिडंट डिजर्व हर। और जो हो गया ना मॉम, उसे जाने दीजिए। नो मॉम, मैं शादी करने से इसलिए इनकार करता हूं क्योंकि आई एम मैरिड टू माय प्रोफेशन। अच्छा मान लीजिए अब मुझे कोई लड़की पसंद आ भी गई, ना मैं उसे टाइम दे पाऊंगा, ना ही मैं उसे प्यार कर पाऊंगा, विल दैट बी फेयर फॉर हर? नो ना, आई लव यू मॉम।